गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक विनाइल पॉलीमराइजेशन एंड इट्स स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, विनाइल बहुलीकरण और उसका जो त्रिविम रसायन है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज में हमने जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है और जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है इस पर डिस्कस किया था। इसके लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइएथिल एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है जो पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद हम एक नियंत्रित बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बहुलक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम विनाइल जो बहुलीकरण क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। विनाइल बहुलीकरण में यदि बहुलीकरण प्रक्रिया के अंदर जो भाग लेने वाली मोनोमर इकाई जो होती है, एकलक जो इकाई होती है, उसके अंदर विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH। ये जो ग्रुप होता है इसको हम विनाइल ग्रुप कहा जाता है, विनाइल समूह कहा जाता है। तो मोनोमर यूनिट के रूप में अगर विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी मोनोमर के अंदर तो इस प्रकार का जो बहुलीकरण होता है उसको हम विनाइल पॉलीमराइजेशन या विनाइल बहुलीकरण कहलाता है। तो देखिए बहुलीकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त एकलक यदि विनाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH उपस्थित हो तो उन्हें विनाइल पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर NCH2 डबल बॉन्ड CHCl विनाइल क्लोराइड है, CH जुड़ा हुआ है, तो इसका बहुलीकरण करेंगे जब बहुत सारी एकलक इकाइयां विनाइल क्लोराइड के आपस में जुड़ करके योगात्मक बहुलीकरण द्वारा PVC यानी पॉली विनाइल क्लोराइड बहुलक का निर्माण होगा। तो विनाइल क्लोराइड से पॉली विनाइल क्लोराइड बहुलक बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि CN ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम विनाइल साइनाइड या फिर इसको एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CN को विनाइल साइनाइड या फिर एक्राइलोनाइट्राइल कहा जाता है। तो इसकी बहुत सारी इकाइयां बहुलीकरण के द्वारा PAN यानी पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बनाता है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बहुलक बनेगा जिसको शॉर्ट में PAN से लिखा जाता है। इसे प्रकार यदि C6H5 समूह जुड़ा हुआ विनाइल ग्रुप के साथ में तो इसको हम विनाइल बेंजीन या फिर स्टायरीन कहा जाता है। इस स्टाइलिन की जो एकलक इकाइयां हैं उसके बहुलीकरण से पॉलीविनाइल बेंजीन या फिर पॉली स्टाइरीन बनता है। तो ये जो विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसको स्पेशली विनाइल पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। विनाइल क्लोराइड से PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनेगा, और विनाइल बेंजीन या स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बहुलक प्राप्त होगा। अब हम इसकी देखें तो ये तीनों जो बहुलक है ये एडिशन जो पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म होती है, योगात्मक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर इनका निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर सारी एकलक इकाइयां जुड़ती जाती है, इसमें किसी छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता है, तो ये कैसे हैं योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। अब देखें इसकी नेक्स्ट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो किस प्रकार से होती है।
स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर, तो इसमें जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर, वो उसके स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर तीन अलग अलग प्रकार हैं, आइसोटैक्टिक, सेंजियोटैक्टिक और अटैक्टिक। आइसोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन के अंदर जो बहुलीकरण की प्रक्रिया में एक एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर जो उनका विन्यास होता है वो सभी का समान होता है। जैसे ये कार्बन परमाणु, उस पर डैश डैश लाइन पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु और बीच लाइन पर देख रहे हैं एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन पर इस तरह से डैश डैश पर हाइड्रोजन परमाणु और बेस पर एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका जो कार्बन परमाणु होगा कार्बन संतरा का, वो या तो सारे के सारे कार्बन परमाणु आर विन्यासित होंगे या फिर सारे के सारे कार्बन परमाणु एस विन्यासित होंगे। इस प्रकार का जो पॉलीमराइजेशन होता है स्टीरियो केमिस्ट्री में, उसको आइसोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। देखिए इसमें सभी एल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन श्रृंखला में एक ही और स्थित होते हैं, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप वेज लाइन पर है, सभी कार्बन परमाणुओं का विन्यास समान होता है। जितने भी कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन परमाणु होंगे सबका विन्यास समान होगा और विशिष्ट घूर्णन भी उनका क्या होता है, समान होता है। तो इसको हम कहेंगे आइसोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन, आइसोटैक्टिक बहुलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम सेंडियोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट क्रम के अंदर, जैसे यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु डैश लाइन पर है, एल्काइल समूह बेस पर है, फिर नेक्स्ट इस कार्बन पर डैश लाइन पर एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है और बेस लाइन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वापस डैश लाइन पर हाइड्रोजन, बेस लाइन पर एल्काइल समूह। तो इस प्रकार अल्टरनेट क्रम में एल्काइल ग्रुप देख रहे हैं, एक बार बेस स्थिति पर, दूसरी बार डैश स्थिति पर, वापस बेस स्थिति पर, वापस डैश स्थिति पर, वापस बेस स्थिति पर, फिर डैश स्थिति। इस प्रकार अल्टरनेट क्रम के अंदर अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको हम सेंडियोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसका जो विन्यास होता है वो भी अल्टरनेट क्रम में होगा, जैसे ये कार्बन परमाणु आर विन्यासित है तो नेक्स्ट एस हो जाएगा, आर एस आर एस, इस तरह से अल्टरनेट क्रम के अंदर जो किरण कार्बन परमाणु होंगे वो विन्यासित रहेंगे। देखिए इनमें कार्बन श्रृंखला के दोनों और एल्काइल ग्रुप तथा हाइड्रोजन परमाणु एकांत क्रम में व्यवस्थित होते हैं, कार्बन परमाणु का विन्यास भी एकांत क्रम में आर एस आर एस आर एस इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार का जो बहुलीकरण है स्टीरियो केमिस्ट्री में, इसको सेंडियोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तीसरी बात करें हम अटैक्टिक पॉलीमराइजेशन की, तो अटैक्टिक पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है एल्काइल ग्रुप, कभी दो बार, कभी एक बार, कभी तीन बार, कभी एक बार, इस तरह से अगर कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको हम अटैक्टिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन परमाणु डैश लाइन पर है, एल्काइल ग्रुप बेस पर है, वापस इसी कार्बन पर सेम डैश पर हाइड्रोजन परमाणु है, बेस पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ चेंज हो गया, डैश पर एल्काइल ग्रुप, बेस पर हाइड्रोजन परमाणु, वापस यहाँ चेंज हो गया, डैश पर हाइड्रोजन, बेस पर एल्काइल ग्रुप। तो इसमें ऑर्डर है विन्यास का वो भी अरेंज्ड नहीं होता है, तो इस प्रकार का पॉलीमराइजेशन इसको अटैक्टिक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो देखिए इनमें कार्बन श्रृंखला में दोनों और एल्काइल ग्रुप तथा हाइड्रोजन एटम अव्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं और इनका विशिष्ट घूर्णन तथा विन्यास में वो भी क्या होता है, अव्यवस्थित होता है, तो इस प्रकार का बहुलीकरण अटैक्टिक बहुलीकरण कहा जाता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर आइसोटैक्टिक,
सैंडियोटैक्टिक और अटैक्टिक बहुलीकरण कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगला, ये जो प्रक्रिया सारी के सारे प्रोसेस है उसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक जिसको कहा जाता है, या युगात्मक जो बहुलीकरण है एडिशन पॉलीमराइजेशन उसके थ्रू था। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो कंडेंस पॉलीमराइजेशन, संघनन जो बहुलीकरण है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसकी क्रियाविधि क्या है, तो इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और जो पहले वाला पढ़ा था वो था एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर उसको बोलेंगे चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो कंडेंस जो पॉलीमराइजेशन है, संघनन बहुलीकरण में शुरुआत में भी कहा था कि इसमें जो एक लग इकाइयाँ होती है वो भिन्न भिन्न होती है, वो आपस में जब जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती है तो उसमें से कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3, CO2 आदि रिमूव होते हैं। तो इस प्रकार का जो बहुलीकरण होता है उसको हम संघनन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ जो आपके सिलेबस में दिए हुए जैसे कि नायलॉन 6,6 है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है और पॉलीएस्टर है, तो इस पर हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।